Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. So today we are going to start a new lesson, chapter number 11, Life in Water. Okay, Life in Water, which means कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स पानी में रहते हैं उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी कैसी है. सो टेक आउट पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 ऑफ योर EVS बुक एंड कीप फिंगर एंड रीड विद मी. ओके, वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. हम कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स अपने आसपास देखते हैं. सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. उसमें से कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स लैंड पे, मीन धरती पे हैं, और कुछ पानी में पाए जाते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इन हिल्स, सम ऑन प्लेन्स एंड सम इन डेजर्ट. तो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस अर्थ पे पाए जाते हैं, कुछ हिली एरियाज में होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, हिली एरियाज, माउंटेन्स. सम ऑन प्लेन्स, कुछ प्लेन्स में रहते हैं, एंड सम इन डेजर्ट, कुछ राजस्थान, जैसे रेगिस्तान होता है वहाँ पर रहते हैं. एनवायरनमेंट एट दिस प्लेसेस इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर, समर एंड रेनी सीजन. और एनवायरनमेंट इन प्लेसेस का मींस हिली एरियाज का, प्लेन्स का और डेजर्ट का, हिली एरिया का, प्लेन्स का और डेजर्ट का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है. ओके, एनवायरनमेंट इज डिफरेंट. हिली एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, प्लेन्स में गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, डेजर्ट में ज़्यादातर गर्मी होती है, रेगिस्तान होता है. ओके, नाउ थिंक एंड टेल. ओके, विच एनिमल्स हैव यू सीन लिविंग इन वाटर. आपने कौन से ऐसे एनिमल्स देखे हैं जो कि पानी में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके आ गया फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नेक एक्सेट्रा. सो ये एनिमल्स हम पानी में देखते हैं. सी द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली. अब नीचे आपको फोर पिक्चर्स दिए हैं जिसमें प्लांट्स एनिमल्स हैं. ओके, वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो सबसे पहले पिक्चर किसकी है, फिश की. फर्स्ट वन पिक्चर इज ऑफ फिश, सेकेंड पिक्चर क्रोकोडाइल, थर्ड पिक्चर लोटस फ्लावर एंड फोर्थ पिक्चर टॉर्टाइस, राइट. सो जो फिश है वो सिर्फ पानी में रहती है, राइट, ओनली वाटर. क्रोकोडाइल बोथ वाटर as well as land, दोनों में रहता है ना क्रोकोडाइल. थर्ड लोटस इज अ वाटर प्लांट एंड टॉर्टाइस ऑल्सो बोथ वाटर एंड लैंड. अंडरस्टूड. सो हमारे पास कई तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हैं आसपास. कुछ पानी में रहते हैं और कुछ लैंड में रहते हैं. कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स हिली एरियाज में पाए जाते हैं, प्लेन्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, और इनका एनवायरनमेंट सभी का डिफरेंट होता है एक दूसरे से. ओके, फिर हमने किया कि ये फोर पिक्चर्स देखो. इन पिक्चर्स में सबसे पहले ये फिश है, फिर क्रोकोडाइल, फिर लोटस प्लांट और फिर टॉर्टाइस है. और इन्होंने थिंक एंड टेल में पूछा विच एनिमल्स हैव यू सीन लिविंग इन वाटर, दैट आर फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नेक एक्सेट्रा.
Now take out page number 86. Now they discuss and tell. What you have to do? Discuss and tell. Discuss and tell. So first question, which animals are seen in the picture? This I have already told you. Which animals we have seen? Fish, crocodile, animals only they have asked, na? Huh. Which animals? I write down the question also so that you will not be confused. Question number one is, which animals are seen in the picture? They have, what they have asked? उन्होंने सिर्फ animals पूछा है. तो animals कौन कौन से हैं हमने देखे? Fish, crocodile और tortoise. ओके, सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर, जो सिर्फ पानी में रहते हैं उनका नाम बताओ. ओनली, राइट? ओनली इन वाटर. तो कौन सा एनिमल है? फिश, क्रोकोडाइल है क्या? नो. वाई? Because crocodile lives on both and land also as well as water also. And tortoise also live on land also as well as water. So, answer for this is fish. Next, which plant are seen in the picture? So, which plant we have seen? Look at the picture and tell me. Is lotus. Fourth question. Which plants are found on land and plants? Which plants are found in water? So, which plants are found in land? And found in land में आप कुछ भी लिख सकते हो. Rose, right? और rose आपका found on land. All plants which are found in water are lotus, lily water, water lily, not water lily. Plants are found in water. Okay, so these are the questions. Discuss and tell. Now find out and write down. Make a list of aquatic plants. Aquatic plants कौन से होते हैं बेटा? जो पानी में रहते हैं. And ये this question they have given. You have to make a list of the aquatic animals. Make a list of aquatic animals. So answer: crocodile, snake, fish, frog,
crab, lichen, etc. are aquatic animals. Okay, so these are your aquatic animals. And second question, some plants are found in water. Some plants are found in water make a list of aquatic plants. In the first question, we have to make a list of aquatic animals. In this, you have to make a list of aquatic plants. So, answer for this is lotus, water lily, jalkundi. Jalkundi and Singara. Etc. are aquatic plants. Understood? Now, think and tell. Due to what reason some animals and plants are able to live in water? कौन सा ऐसा reason है जो कि कुछ plants और animals पानी में रह सकते हैं? So this answer we will get after reading this. How they live in water? वो कैसे पानी में रहते हैं? The effect of its environment is clearly seen on the structure and function of every animal and plant. वो कहते हैं कि जो environment का प्रभाव है, जो environment का effect है, वो clearly हम देख सकते हैं उनके structure में और function कि किस तरह से कोई animal या plant का structure कैसा है, उसका जैसे हमारा body structure होता है ना, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, right? That उनके structure से और उनकी body किस तरह से function करती है, वो इफेक्ट करता है वेदर से. ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर जैसे हमारे हैं आईज है, आईब्रोज है, कोई रंग गोरा है, कोई रंग काला है. सो दीज आर द पर्टिकुलर फीचर्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. सो इसका आंसर क्या है? ड्यू टू स्पेसिफिक फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाया है कि जैसे अ बेयर इज फाउंड इन आइसी रीजन. अ बेयर है वो कहाँ पे? बर्फीले रीजन में पाया जाता है. इट्स बॉडी हैज थिक फर. उसकी बॉडी पे बड़े बड़े बाल हैं. विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. तो जो उसको कोल्ड से, सर्दी से बचाता है. तो बेयर की बॉडी पे क्या है? फर है, लंबे लंबे बाल हैं जो उसको हेल्प करता है एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए. ठीक है. इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर. इसी तरह से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर होता है. वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर और वर्क इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमने ये नोटिस किया है या नहीं किया है, अभी आप करना है इसे नोटिस, कि ज़्यादातर हम पानी में खेल रहे हैं या मम्मा आपके कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो उनके हैंड पे क्या होता है? श्रिंक हो जाता है. वो मीन्स सिकुड़ जाता. स्किन ऑफ आर फिंगर गेट श्रंक. वाइल दिस डजेंट हैपन विद एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. पर ये हमारे भी होता है क्योंकि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कॉप अप नहीं है. पानी के साथ इतना बॉडी इफेक्ट नहीं
मतलब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, पर जो एनिमल्स हैं उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो इस पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा है कि जो इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट का वो क्लियरली हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एवरी प्लांट, हर एक उनके फिजिकल फीचर्स और एनिमल्स के जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो कॉप करते हैं। जैसे एग्जांपल बियर है, बियर के लॉन्ग फर हैं, थिक फर हैं, बड़े बाल हैं जो उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड से उसको बचाता है। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट पानी का नहीं पड़ता है। डू यू नो वाटर एनिमल्स स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑफन ऑफ स्पेशल कंसर्न सो दैट्स ऑल फॉर द डे। रीड दिस लेसन टिल 86 एंड आई विल सेंड दिस क्वेश्चन आंसर इन असाइनमेंट सो दैट यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।